तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अभी हम ये जिस रोड पे हैं ये है भोपाल विदिशा हाईवे है, ये इसी रोड से होते हुए सांची जाते हैं। अभी जो जाते वक्त आपने ये जो मंदिर देखा है ना, वो जैन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन जैन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है। मुझे खैर उस मंदिर का नाम तो नहीं पता है, बट ये पता है कि वो जैन मंदिर है। बाकी ये जो रास्ता है ये विदिशा की तरफ जाता है और बीच में ही सांचे पड़ता है। यदि आप लोग जाना चाहते हैं, अगर कोई देखो एमपी वालों को तो पता है कि सांचे कैसे जाना है, रोड रास्ते सारे पता हैं, लेकिन जो एमपी से बाहर के लोग हैं जिनको नहीं पता है और सांचे जाना है घूमने के लिए, तो वो लोग भोपाल से डायरेक्ट सांचे जा सकते हैं भोपाल आकर, या फिर सांची में भी रेलवे स्टेशन है सांची से पहले। यदि दिल्ली तरफ से लोग आ रहे हैं तो वो लोग विदिशा विदिशा से सांची के लिए बस ले सकते हैं, सांची के लिए ट्रेन ले सकते हैं, और यदि भोपाल तरफ से इंदौर तरफ से लोग आ रहे हैं तो वो लोग डायरेक्ट भोपाल से ही बस ले सकते हैं या ट्रेन ले सकते हैं। और सांची लगभग भोपाल से यही कोई 48-49 किलोमीटर है, 48-49 किलोमीटर है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट हाँ इसी के आसपास है। और काफ़ी अच्छा प्लेस है, घूमने लायक प्लेस है, मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस है सांची, क्योंकि हिस्टोरिक प्लेस है वो हमारा एमपी का, और काफ़ी लोग बाहर से आते हैं घूमने के लिए देखने के लिए। तो आज चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सांची कैसा है, वहाँ पे क्या क्या है देखने लायक घूमने लायक, है ना। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ, चलते हैं देखते हैं। ये जो ये आप लोग देख सकते हैं ये जो रोड है ना, आज इस पे बहुत ही ये खाली है, आज आज इस पे बहुत ही कम रश है। एक्चुअली मेरा जो होम टाउन है ये इसी रास्ते से मैं अपने होम टाउन जाती हूँ, मैं रहती भोपाल में हूँ ना, बट जब भी मैं होम टाउन जाती हूँ तो इसी रास्ते से जाती हूँ, मैं अपने ऑन व्हीकल से ही घर जाती हूँ। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, अभी तो बहुत ही कम रश है, आप लोग देख सकते हो, मतलब रास्ते पे आप लोगों को ये हाईवे है, देख के लग रहा है क्या कि हाईवे है, क्योंकि हाईवे पे बहुत बड़े बड़े वाहन निकलते हैं, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल भी वाहन नहीं निकल रहे हैं। खैर इससे हमें फ़ायदा है कि एटलीस्ट रास्ता एकदम क्लियर है तो ड्राइव करने में दिक्कत नहीं होता है, खासकर टू व्हीलर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस रोड काफी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स भी बन गई हैं, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं स्कूल वगैरह होटल्स वगैरह, और सांची में भी काफी बड़ी बड़ी होटल्स बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्योंकि रिसॉर्ट वगैरह भी बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे बाहर फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं तो रुकने के लिए मतलब काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे। बाकी आसपास के लोग तो नहीं रुकेंगे वहाँ पे, बट ये है कि जो बाहर से आते हैं उनके लिए तो रुकने की व्यवस्था मतलब होनी चाहिए, तो उन लोग रुक सकते हैं वहाँ पे। ये आप लोग देख सकते हैं ये सलामतपुर का ब्रिज है, सलामतपुर जो कि सांची के पास में ही है, ये सांची और भोपाल के बीच में पड़ता है सलामतपुर, इसी के जस्ट नीचे से ट्रेन की लाइन गई हुई है, रेलवे लाइन। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है कर्क रेखा, ये भी विदिशा रोड पे ही पड़ती है रास्ते में जब हम सांची जाते हैं। कर्क रेखा के बारे में तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा स्कूल में, हमने ज्योग्राफी की बुक में इसके बारे में बहुत पढ़ा है।
और आगे जाना। ये सांची का रोड जा रहे हैं ऊपर सांची देखने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, तो तब तक के लिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।